कोई अकेला है काफ़ी और कोई अकेला ही काफ़ी है, ये मैंने पढ़ा कहीं, तो तब जाके वीडियो बनाने का मेरे को आइडिया आया। वैसे मेरा पहला रिस्पॉन्स इस लाइन पे ये था कि कोई ये कैसे बताए कि वो तनहा क्यों है। तो आज का टॉपिक, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि वो है कि पर्सनालिटीज़ पे, कि हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं। तो इसके लिए हमेशा की तरह छोटी सी कहानी, कि चाइना का एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे एक ऑर्फनेज है, वहाँ पे एक लड़की रहती है जो एक टाइगर है, टाइग्रेस। और वहाँ ऑर्फनेज में बाकी बच्चे भी रहते हैं जो ज़्यादातर भेड़े हैं, तो उन सबसे अलग है। अब वो वहाँ खेलने की कोशिश करती है हमेशा, तो बच्चों को चोट लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो उसके साथ खेलना नहीं चाहता और हमेशा वो इस बात से परेशान रहती है कि मैं अलग क्यों हूँ सबसे और ऐसा क्यों है। तो धीरे धीरे लोग उससे डरने लग जाते हैं, कोई उसे मॉन्स्टर कहता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है और इसे तो सब दूर रहो, और उससे भी इस बात से खीज होती है कि मैं सबसे अलग ऐसी क्यों हूँ। तो धीरे धीरे उसके अंदर ये गुस्सा और चिढ़ जो है बढ़ने लग जाती है, और फाइनली वो एक गुस्सैल टाइगर बन जाती है। छोटी बच्ची है अभी वो। तो एक मास्टर को बुलाया जाता है वहाँ पे, जिनका नाम होता है शिफू, जो कहते हैं कि ये और बच्चों से कीप अपनी गार पर पा रही है और तोड़फोड़ भी बहुत करती है और हम सब जने बड़े परेशान हैं इससे, तो आप इसके लिए कुछ कीजिए कि इसका गुस्सा ज़रा कंट्रोल में आए। तो शिफू उसके पास आते हैं, तो मिलते हैं उससे और कहते हैं कि हेलो, ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद वो कहती है कि तुम भी भाग जाओ, तुम भी मुझसे डरो वगैरह। वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं, आओ खेलते हैं। तो वो बैठते हैं वहाँ पे, तो डोमिनोज होते हैं छोटे छोटे डाइस, बच्चे खेलते हैं उससे, ब्लॉक जैसा छोटा सा। तो वो बहुत सारे डोमिनोज लगा के बड़ी फास्ट लगा के दिखाते हैं उसे कि खेलते हैं। तो चीफू डेली आते थे तो उसके साथ खेलते थे कई दिनों तक, और शुरू शुरू में वो डोमिनोज टूट भी जाते हैं हैंडल करते हुए, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे अब ऑर्फनेज में रहते रहते जो बाकी छोटे बच्चे हैं, क्योंकि वो शीप के बच्चे हैं, तो सब लोग धीरे धीरे करके उनको अडॉप्ट करके ले जाते रहते, लेकिन उसको कोई नहीं ले जाता। ठीक है, कोई नहीं, उसे इस बात का भी गम है कि मुझे कोई नहीं चूज़ करता, मुझे कोई लेके नहीं जाता अपने घर पर। फिर भी धीरे धीरे करते हुए स्लोली स्लोली शिफू फिर हफ्ते में एक बार आने लग जाते हैं। वो डाइस जो उसे अक्सर खिलौने टूट जाते थे, वो कहता है फिर से कोशिश करो, डांटता नहीं है, कहता है फिर कोशिश करो। फिर वही चीज़ होता है, वो कहता है फिर कोशिश करो। करते करते ऐसे साल हो जाते हैं, करते करते धीरे धीरे वो उस खेल में एक्सपर्ट हो जाती है, शिफू के साथ खेलती। एक दिन वो सबको बड़े बेहतरीन ढंग से डाइस लगा के दिखाती है सबको, और बड़ा अच्छा से डिज़ाइन बनाती है उससे। अभी भी वहाँ पर मौका वही चल रहा होता है कि बच्चे आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, अडॉप्ट हो रहे होते हैं, लेकिन उसको कोई लेके नहीं जाता। तो एक दिन वो ऐसी उदास बैठी होती है, फिर शिफू आते हैं, वो सोचती है कि खेलेंगे। उस दिन शिफू उससे कहते हैं कि आओ घर चलें, तो उसे घर मिल जाता है। ठीक है, तो बात यही है कि आपको समझने वाला होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कैसे हैं और किस तरीके की पर्सनालिटी होती है, क्योंकि आपका जो टोटल आपकी जो पर्सनालिटी होती है ना, वो आपके ज़िंदगी भर के एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब उस टाइग्रेस का ज़िंदगी भर का एक्सपीरियंस क्या था, लोग उससे डरते थे, उसकी पावर से चिढ़ते थे, और वो क्योंकि छोटी बच्ची थी तो वो खुद भी नहीं समझ पाती थी कि आखिर मैं ऐसी क्यों हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई समझने वाला समझाने वाला हो तो आपको पता चलता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको देखते ही हमें खीज हो जाती है, या उनको एक नज़र मारते के साथ ही हम उनके बारे में एक परसेप्शन बना लेते हैं कि ये इस किस्म के एटीट्यूड के लोग हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। लोगों को कम से कम एक बार, दो बार, तीन बार मौका देना चाहिए कि आखिर ये आदमी कैसा है। हो सकता है वो कोई बेहतरीन पर्सनैलिटी वाला आदमी हो सकता है वो इंट्रोवर्ट आदमी हो, अंदरूनी अंतर्मुखी और अपने तक ही चीज़ों को सीमित रखना चाहता हो, इस वजह से कम बोलता हो, लोग उसको एटीट्यूड समझ लेते हैं। और जैसे मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है वो आपका सम टोटल होता है एक्सपीरियंसेस का, ज़िंदगी का, उसी से आप घटते हो, उसी से बनते हो, और
उसी को लोग जज करते हैं कि ऐसा है वैसा है। अब ये सम टोटल जो है ना एक्सपीरियंसेस का, वो खाली लाइफ के लिए नहीं है, वो डे के लिए भी है। हो सकता है किसी का दिन खराब हो और उस दिन आपसे कुछ ऐसी बात कहते हैं जो आपको लग जाए, और फिर आप कहो यार उसने तो मुझसे ऐसी बात कह दी थी उस दिन। लेकिन हो सकता है कि उस ज़िंदगी में और कुछ प्रॉब्लम्स और समस्याएं चल रही हों जिस वजह से उसने ऐसा कुछ कह दिया हो, जिसकी वजह से खीजा हो। तो पहला एक्सपीरियंस ये है कि लोगों को नोटिस करने की कोशिश कीजिए कि ये यार परेशान तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है, नॉर्मल जैसे इसका बिहेवियर होता है मेरी तरफ उस तरीके का तो नहीं है, कुछ अलग तो नहीं है। उस तरीके से लोगों की पर्सनैलिटी जज करने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पहली बार में ही पसंद आए, हो सकता है एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। और किसी के कहने पे कोई दिमाग में किसी के खिलाफ इमेज मत बना लीजिए। हो सकता है कि एक चीज़ कहते हैं कि एक बात जब एक जमान से दूसरी जमान तक पहुंचती है, दूसरे से तीसरे तक पहुंच जाती है, तो अपना रूप बदल लेती है। हो सकता है बात कुछ और हो। एक ही एक्सीडेंट को अगर कई सारे लोग देखें अलग अलग नज़रिए से, तो आपको अलग अलग बातें बताएंगे कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। घटना एक ही है, लेकिन सब लोगों का देखने का नज़रिया और चीज़ों को समझने का नज़रिया अलग अलग है। और वो भी इसीलिए है क्योंकि उनके ज़िंदगी का जो सम टोटल है, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो उनकी साइकोलॉजी और उनका माइंड सेटअप जो है वो सेटअप करते हैं पूरा का पूरा। तो ख्याल रखिए, हर किसी की पर्सनैलिटी वैसी नहीं होती जैसी आप चाहते हैं या आपकी इच्छाओं और ख्वाहिशों के हिसाब से हो। सो कनेक्टेड रहिए, बी ह्यूमन, हम सब इंसान ही हैं, गलतियाँ हम ही से हो सकते हैं सब। अगर गौतम बुद्ध हो जाएंगे तो स्टूडेंट कौन रहेगा। सो मिलते हैं फिर।